डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आर मैथमेटिक्स क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर नंबर 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका आगे वाली क्लासेस के लिए भी, नाइन्थ में भी, टेंथ में भी, इलेवंथ में भी, ट्वेल्थ में भी आपको बहुत काम आने वाला है। इस चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या नाम है इसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों, मैंने अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी हो तो मैंने आपकी क्लास नाइन्थ की जो है क्लास टेंथ की मैंने एक वीडियो बनाई हुई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की, तो मैंने उसमें इंट्रोडक्शन बताया हुआ है कि टू वेरिएबल्स होते क्या है। एक बार मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देता हूँ यहाँ पे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लीनियर इक्वेशन दिखा रहे हैं, लीनियर का मतलब क्या, इसकी हाइस्ट पावर 1 होगी। लीनियर का मतलब क्या होता है? किसी भी इक्वेशन की अगर हाइस्ट पावर 1 होगी और उसमें आपके दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल हो रहा है, किसका इस्तेमाल हो रहा है आपका, दो वेरिएबल्स का, तो बन जाएगी आपकी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। जैसे कि आपका x प्लस वाई है इक्वल टू 0, तो इसमें आप ध्यान से देखो आपके दो वेरिएबल हैं। अब दो वेरिएबल होते कैसे हैं? भाई जैसे आपने कहा भाई आपको पेन खरीदना है, तो आपने पेन खरीदे और आपने पेंसिल भी खरीदी, तो पेंसिल क्या है, एक वेरिएबल होगा, पेन एक वेरिएबल होगा। अब दोनों वेरिएबल को मिला के मुझे उनका निकालना है कि मैंने कितनी कॉस्ट लगाई उसमें। तो मान लो एक पेन की कॉस्ट मान लो 10 रुपीज हुई, तो 10x हो गया, और एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी हुई, 50 हुई, तो 50x हो गया। तो 10x प्लस 50x बराबर क्या हो जाएगा आपका, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो बच्चों, जो भी हम क्वेश्चन, जो भी हम चीज पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, वो हमारी कहीं ना कहीं डेली लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरीके से हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में हम क्या करते हैं, हम जो आपकी डेली लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम इजी तरीके से सॉल्व करते हैं विद हेल्प ऑफ टू वेरिएबल्स। ये ध्यान रखना है वहां पे कि हम उनको टू वेरिएबल्स से इनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी कोई इक्वेशन होती है वो हमेशा होती है ई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। कोई भी आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन की टू वेरिएबल की, वो इस फॉर्मेट में होती है। किस फॉर्मेट में होती है? वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में होती है, जहां पे ए बी सी जो है वो आपके क्या है, कॉन्स्टेंट है। ए बी सी क्या है आपके, कॉन्स्टेंट है। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, इनका बहुत हेल्प होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये वाली बातें समझ में आ गई होंगी तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि आपको टू वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं यहीं पे ही कि अगर आपको इसके लिए आप ग्राफ खींचोगे, अगर आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। वो स्ट्रेट लाइन क्यों आ रही, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा हमेशा वो स्ट्रेट लाइन आता है। ये बात आपको दिमाग में अच्छे से रख लेनी है। जब ग्राफिकल मेथड का यूज करने वाले होंगे, तो जैसे आपके पास दो वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे आपने x वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पे आ जाएगी पुट करने पे। तो अगर आपने यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू समथिंग कुछ आ गई, फिर आपने x की वैल्यू कुछ रखी तो y की वैल्यू भी कुछ आ गई। उस सबको मिला के जब आप एक लाइन खींचोगे और वो स्ट्रेट लाइन आ रही है, वो कैसी लाइन आ रही है, सीधी लाइन आ रही है, इसका मतलब क्या, वो जो आपकी इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन आने का मतलब क्या है कि वो लीनियर इक्वेशन है विद हेल्प ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है बच्चों। आज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसी चीज को दिमाग में रख के और इन्हीं सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रख के हम सॉल्व करेंगे आप फर्स्ट एक्सरसाइज को। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बड़ी सिंपल है, उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो सिर्फ ये कह रहा है कि आपके पास एक सिचुएशन दे रखी है, आपकी डेली लाइफ की सिचुएशन दे रखी है जिसको आपको दिखाना है किस फॉर्म में, इस लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिखाना है टू वेरिएबल्स में। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज 1 मिनट, ठीक है बच्चों। तो आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, क्या है वो, ट्वाइस दी कॉस्ट ऑफ, इनकी जो कॉस्ट है उसका डबल है कॉस्ट ऑफ ए पेन। देखो, तो यहां पे आपको एक रिलेशन दे दिया कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक, यानी नोटबुक की कॉस्ट जो है वो पेन की कॉस्ट का डबल है। यानी कि अगर नोटबुक की कॉस्ट आपकी 10 है तो कॉस्ट ऑफ पेन कितनी रहेगी, वो मतलब नोटबुक इज ट्वाइस, तो पेन की कॉस्ट अगर 10 रुपए है तो नोटबुक क्या हो जाएगी आपकी 20 रुपए हो जाएगी। कुछ इस तरह का आपको रिलेशन दे रखा है। एंड राइट लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो आपको क्या करना है, राइट ए लीनियर इक्वेशन, तो आपको एक लीनियर इक्वेशन दिखानी है इन टू वेरिएबल्स
दो वेरिएबल्स में आपको एक लीनियर इक्वेशन दिखानी है, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा आपका, जैसे इक्वेशन हो गई, तो अगर आपने मान ली टू वेरिएबल्स में कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है आपकी, तो लेट द कॉस्ट ऑफ क्या है यहां पे आपकी, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, अगर आपने पेन की क्या मान ली एक्स मान ली, और आपने क्या मान लिया वहां पे द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, तो पेन की आपने एक्स मान ली और आपकी कॉस्ट क्या मान लो यहां पे कॉस्ट ऑफ नोटबुक, उसको आप क्या मान लो यहां पे वाई मान लो, क्या मान लो वहां पे वाई, तो वाई जो है आपका क्या हो गया वाई इज इक्वल टू कितना हो गया आपका टू एक्स हो गया, वाई जो है वो पेन की कॉस्ट का डबल यानी कि टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो आ गया। ये आपकी क्या होंगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो कितना इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे, वो भी बहुत सिंपल दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा आपको क्रिटिकल नहीं सोचना कि इसके बारे में इसमें क्या पॉसिबल कंडीशन है या क्या हो सकता है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर टू, वो सिर्फ मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि हर एक इक्वेशन के आगे जो होते हैं वो होते हैं कॉन्स्टेंट, क्या होते हैं वो उसके कॉन्स्टेंट, जैसे आपका पहला ही दूसरे का पहला, उसमें सिर्फ आपको बताना है कि एबीसी क्या होंगे, क्या बताना है आपको एबीसी, तो हमें पता होता है हर एक इक्वेशन के, दे रखे हैं आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आपका 9.35 बार, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपको बताना है यहाँ पे एबीसी की वैल्यू, अगर आपको इसको कंपेयर करके देखो आपका ax प्लस by और प्लस c इज इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, तो आप इसको इधर ले जाओ, ये बन जाएगा आपका 2x प्लस 3y माइनस 3.5 बार इक्वल टू जीरो। अब कंपैरिजन करनी है बड़े इजी तरीके से, आपका a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे आपकी 2 हो गई, b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 हो गई, और c की वैल्यू कितनी माइनस का 3.5 बार हो गई, ठीक है। ये आगे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, वो कह रहा है कि माइनस का 2x है प्लस का 3y है इजिकल टू 6 है, इजिकल टू कितना है आपका 6 है, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6 इजिकल टू 0। a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस का 2, b की वैल्यू कितनी आ गई आपका 3, और c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 6, ठीक है। बच्चों बड़ा इजी क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे, कुछ भी नहीं है इनके अंदर, टाइम हम वेस्ट ही करेंगे, पर एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं कभी आपको लगे कि इसमें कुछ स्पेशल बात हो। अब जैसे कि स्पेशल कंडीशन दे रखी है, एक स्पेशल कंडीशन दे रखी है ये वाली, आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 6 वाला, ये कह रहा है 3x प्लस 2 इजिकल टू 0। अगर मैं इसकी कंपेरिजन करूं ax प्लस by प्लस सी से, तो मुझे देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है उन बच्चों के लिए जो कि एलजेब्रा से ज्यादा फैमिलियर नहीं है, जिनको एलजेब्रा में ज्यादा मजा नहीं आता, ठीक है बच्चों। तो यहां पे हमें दिख रहा है कि इसको मैं कंपेयर करके देखूं तो आपका ए की वैल्यू जो है वो 3 आ गई, तो बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, मैं गारंटी देता हूँ बहुत सारे बच्चों को नहीं पता वो बी की वैल्यू क्या आएगी, तो ध्यान रखना जो बी की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन में बी है ही नहीं, तो जिसमें इक्वेशन नहीं होगा उसका मतलब बी की वैल्यू 0 है, और सी की वैल्यू आएगी आपकी 2, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा क्वेश्चन जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा अलग हो गया वाला क्वेश्चन, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और एक और क्वेश्चन है आपका, लेट्स सी 8 वाला क्वेश्चन है आपका, वो है आपका 5 इजिकल टू 2x, इसको उधर ले जाओ तो 0 0 कितना हो गया 2x माइनस 5। अब फिर से आप देखो तो 20 में नहीं है, 20 में नहीं है तो आप क्या लिखोगे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0, और c की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 5, ठीक है बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चन रहा यहाँ पे, ये वाली एक्सरसाइज बहुत इजी है। चलो अगली वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को, कौन सी है वो आपकी 6 पॉइंट, कौन सी चलेगी यहाँ पे 4.2, और ये बहुत इजी है, इसमें बताना है यूनिक सॉल्यूशन है ट्रू सॉल्यूशन है, तो उसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे छोटी सी एक्सरसाइज होगी, इट इज लाइक इंट्रोडक्शन पार्ट, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप, मैंने एक बार 10th के लिए भी वीडियो बनाई हुई इंट्रोडक्शन वाली, जिसमें मैंने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को इंट्रोडक्शन में बताया हुआ अच्छी तरीके से, ठीक है। आप एक बार उस वीडियो को भी गो थ्रू कर लेना, उसके बाद आप इस चैप्टर को स्टार्ट करना, बहुत ही इजी इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर है, ठीक है बच्चों।
Once again, thank you so much for watching this video. If you like the video, don't forget to share, subscribe the channel and share this video with your friends. Okay? Thank you for now and have a nice day. Bye-bye.